लैंगिक बात को लेकर दाभा परिसर में एक दोस्त ने अपने ही एक दोस्त को उतारा मौत के घाट। गिट्टीकादान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। आए दिन शहर में किसी न किसी बात को लेकर गुंडागर्दी करना, हत्या करना जैसी घटनाएं हो रही है। जी हाँ, हत्या करने का एक ऐसा ही मामला गिट्टीकादान पुलिस थाने में दर्ज है। गिट्टीकादान पुलिस की जानकारी के अनुसार दाभा परिसर में लेबर का काम करने वाले दो दोस्त रहते थे। आशीष दिगंबर दुर्गे और राजू नंदेश्वर ऐसा दोनों का नाम है। आरोपी देवांश वाघाड़े बर्ता करने वाला है तो मृतक बालाघाट का निवासी है। मृतक राजू नागेश्वर अपने दोस्त पर जबरन लैंगिक काम करने के लिए दबाव डालता है और रात को उससे जबरन लैंगिक संबंध बनाता था। इस बात से आहत होकर आरोपी देवांश चंद्रपान वाघाड़े ने दाभा स्थित ठाकरे लेआउट के प्लॉट नंबर 57 में रात करीब 12 बजे के बाद लोहे के हथौड़ी से राजू नागेश्वर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही गिट्टीकादान पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बारे में गिट्टीकादान थाने के एपीआई काकोड़े इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। इसमें एक आरोपी है, उसका नाम है देवांश चंद्रपान वाघाड़े, रहने वाला है वाचनूर तालुका आरवी और जिला वर्धा का है। और बॉडी के बारे में पूछताछ किए तो आजू बाजू के लोगों ने बताया कि ये आदमी को पहचानते हैं और घटनास्थल के बाजू में एक प्लाट है, वहाँ पर गैरेज है आशीष दिगंबर दुर्गे, और गैरेज के बाजू में एक रूम है। वो रूम में एक आरोपी और मयत, ये दोनों रहते थे। बहुत दिनों से मयत यह आरोपी को लैंगिक सतावनु करता था, इसलिए वो परेशान था। तारीख 8/8/2021 की रात को जब मयत रात को सो गया था तो उस टाइम में वही मौका देखकर आरोपी ने बाजू से कोई हथियार लाया और हथियार से उसके सर पर मार दिया, इस वजह से उसकी मौत हो गई। शहर में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जो कि पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। बीसीएन न्यूज के लिए गिट्टीकादान थाने से कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।